इंग्लैंड से मिले 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने चौथे दिन 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाकर रांची टेस्ट में 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने 3-1 से सीरीज पर कब्जा भी कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला 5 विकेट से जीत कर टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत की घर में ये लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीत है। भारतीय टीम को आखिरी बार इंग्लैंड ने ही 2012 में घर में हराया था। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 145 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर मिली 46 रनों की बढ़त से साथ भारत के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने इस लक्ष्य को चौथे दिन 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गवाए 40 रन बना लिए थे। आज चौथे दिन भारत को पहला झटका 84 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी 37 रन बनाकर जो रूट का शिकार बने। इसके बाद 99 के स्कोर पर भारत को सबसे बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा 55 रन बनाकर टॉम हार्टली का शिकार हुए। टीम के खाते में एक रन ही जुड़ा था कि रजत पाटीदार को शोएब बशीर ने शून्य पर चलता कर दिया। इसके बाद भारत को 120 के स्कोर पर चौथा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में शोएब बशीर ने दिया। अगली ही गेंद पर शोएब बशीर ने सरफराज खान को शून्य पर पवेलियन भेजकर अपना तीसरा विकेट भी ले लिया।